नमस्ते फ्रेंड, मैं सविता अग्रवाल कुकिंग विद सविता में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए भुना हुआ नमकीन बादाम की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं, भुना हुआ नमकीन बादाम कैसे बनाते हैं। भुना हुआ नमकीन बादाम बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। 250 ग्राम बादाम, नमक, बादाम भुनने के लिए नमक, पानी और सादा नमक। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले अपने स्वाद अनुसार नमक लेना और उसमें पानी डालकर अच्छे से घोल लीजिए, पर ध्यान रखिए पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं होना। जैसे मैंने 1 चम्मच नमक के लिए 2 चम्मच पानी लिया। अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हुई तो बादाम भूनते वक्त जो भूनने के लिए नमक लिया वह बादाम को चिपक जाएगा और बादाम ज़्यादा नमकीन हो जाएंगे। और इस नमकीन पानी को साइड में रख लीजिए। बादाम भूनने के लिए नमक लेना और कढ़ाई में डालना और उसे थोड़ा गर्म होने देना। चलो फिर जब तक नमक गर्म हो रहा है तब तक हम बादाम में बनाया हुआ नमक का पानी मिक्स करते हैं, जैसे वीडियो में दिखाया हुआ है। अब बादाम में नमकीन पानी मिक्स करके हो चुका है। अब कढ़ाई में जो नमक गर्म करने रखा हुआ था वो देखते हैं, नमक गर्म हुआ क्या। यह देखने के लिए नमक को हाथों से चेक कीजिए। अगर हल्का सा नमक गर्म लगे तो उस नमक में नमकीन बादाम डालकर अच्छे से मिलाकर मिक्स कर लीजिए, जैसे वीडियो में दिखाया हुआ है। पर ध्यान रखिए गैस की आंच धीमी रखना और नमक गर्म हुआ ये चेक करते टाइम नमक ज़्यादा गर्म नहीं होना, वरना बादाम अच्छे से भुनने नहीं होंगे और जल जाएंगे। और बादाम को धीमी आंच पर भूनते रहना, जैसे वीडियो में दिखाया हुआ है। नमकीन बादाम बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसे एक छलनी से छान लीजिए, जिससे बादाम पर ज़्यादा लगा हुआ नमक निकल जाएगा। अगर छलनी से छानने के बाद भी नमक आपको स्वाद में ज़्यादा लगे तो इस बादाम पर लगे हुए नमक को एक टिश्यू पेपर के मदद से साफ कर सकते हो। नमकीन भुना हुआ बादाम बनकर तैयार हो चुका है। बादाम भुनने के बाद जो नमक बच जाता है उसे आप फेंकिए मत, उसे आप बेकिंग या चीज़ भुनने के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे केक बनाने के लिए या तो फिर मूंगफली, काजू, पिस्ता, मनुके इत्यादि भुनने के लिए। अगर मेरी यह रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरी दूसरी वीडियो को भी ज़रूर देखिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और पास ही में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू।